काफी टाइम के बाद आपको देख रहे हैं पद्मावती के बाद, तो मतलब बोल सकते हैं कि मीटर आपका चालू था लेकिन बत्ती गुल थी। मतलब आप तो स्टेटमेंट मार रही है, मैं इस पे जवाब क्या दूं? नहीं, स्टेटमेंट मेरा यही है, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा मीटर चालू हो गया फिर से। ये तो एक्चुअली मेरे यूजुअली मेरी एक साल में एक फिल्म आती है, ये तो मेरी दूसरी फिल्म आ गई इस साल में, तो मैं तो मेरी टीम और मैं तो बड़े वी आर अमेजिंग, वी हैव डन अ सेकंड फिल्म इन द सेम ईयर, तो हम तो बड़ा वी फील इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट कि हमने यू नो एक सेकंड फिल्म अचीव कर ली एक ही साल में। नहीं लेकिन आपको सिंगल देखने में ज्यादा मजा आता है, पद्मावती में काफी मुझे सिंगल देखने में आपको ज्यादा मजा आता है, ये बात शायद मुझे अपनी बीवी से शेयर करनी पड़ेगी। मल्टी स्टारर फिल्म में नहीं, सोलो हीरो में देखने में मजा आता है, जैसे भी इसमें आप नजर आ रहे हैं, तो ये एक धमाकेदार एंट्री है आपकी। नहीं बट मुझे ये जरूर कहना चाहिए दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, एंड आई थिंक कैरेक्टर्स और फिल्म की जो कहानी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वन हीरो टू हीरो, मैंने कभी फिल्में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब हो जिसमें दिलजीत थे, चाहे वो रंगून हो जिसमें सैफ थे, चाहे वो पद्मावत हो जिसमें रणवीर थे, और इस फिल्म के अंदर भी देवेंदु जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शायद लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक बहुत अहम प्रेजेंस है इस फिल्म के अंदर, और मैं उसको एक लीडिंग पार्ट से कम नहीं मानूंगा, ये बहुत ही अच्छा रोल है उनके लिए, शायद जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझेंगे, एक्चुअली उनके कैरेक्टर की वजह से ही सब कुछ होता है फिल्म के अंदर। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही कहानियों को चुनें और सही कहानियों को कहने की कोशिश करें, नहीं तो शायद दंगल कभी बनती नहीं, क्योंकि वो तो दो बेटियों की कहानी थी और फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आमिर खान। सो आई थिंक वी नीड टू ग्रो बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस जो हम अपने ऊपर डाल देते हैं, और आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेता। मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो लोगों तक कुछ अच्छा कह पाएँ, शायद उनके दिल को थोड़ा सा टच कर पाएँ, उनको थोड़ा हंसा पाएँ, उसमें जितने भी लोग आए आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम।